नमस्कार दोस्तों अभी जो आप हमारे हाथ में देख पा रहे हैं ये एक फ्लिपकार्ट की ओर से आने वाला बॉक्स है इसमें हमने अपने एक फ्रेंड के लिए उन्होंने हमें बोला था कि हमें एक माइक्रोफोन चाहिए बोया का तो हमने इसे ऑर्डर किया और मंगाया हुआ है और इसके अंदर एक बोया का आई माइक्रोफोन है और साथ साथ एक सेल्फी स्टिक है तो आज के इस वीडियो में हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये रिव्यू करके अनबॉक्सिंग करके दिखा दें तो चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं क्या क्वालिटी है कैसा है बोया आई माइक्रोफोन साथ साथ सेल्फी स्टिक कितने में मिला और आप खरीद सकते हैं तो इसे कैसे बाय कर सकते हैं पूरे प्रोसेस की बात करते हैं सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट दिया गया है तो फाइनली ये है आपके सामने फ्लिपकार्ट की ओर से आने वाला एक बॉक्स जिनके अंदर है बोया का आईमोन माइक्रोफोन के साथ साथ एक सेल्फी स्टिक तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एक सेल्फी स्टिक रखते हैं इसको साइड में सबसे पहले बोया का जो माइक्रोफोन है उसे देखते हैं तो ये हमने इसे यहाँ से निकाला थोड़ा एक्साइटमेंट के चक्कर में हमने इसे पहले ही खोल कर देख लिया था इसलिए यहाँ पर जो पैकेट हो वो खुला वगैरह है आप देख सकते हैं यह है बोया का एमोन माइक्रोफोन जहाँ पर आपको बोया की ब्रांडिंग और लेबल माइक्रोफोन यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल है बोया बाई एमोन यहाँ यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ देखा जाएगा वहीं तो आप थोड़ा ही साइड फ्लिप करेंगे तो इससे रिलेटेड और सारे जो डिटेल्स वगैरह है जो आपको देखने को मिल जाएगी जिससे आप वीडियो को वॉच करके इजिली पढ़ सकते हैं तो ये है पैकेट की बनावट जहाँ पर आपको ये बोया और इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि आखिर करें माइक्रोफोन कैसा है तो हमने इसे ओपन किया ओपन करने के बाद आप देख सकते एक हम यहाँ पर पाउच यानी कि छोटी सी बैग देखने को मिली जिसके अंदर माइक्रोफोन है तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं यहाँ पर है ये कॉलर का जो क्लिप आता है वो है उसके बाद ये रहा आपका बोया का ऐमोन माइक्रोफोन और इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ लग रहा है शायद इसको भी देख लेते हैं ये शायद आपको एक लव लेटर लग रहा है इसे आप ऑर्ड कर समझ सकते हैं कैसे यूज करना है क्या क्या क्वालिटी है उसके साथ साथ ये भी एक लव लेटर ही है समय मिले तो आप इसे पढ़ लीजिएगा हम तो पढ़ ही लेंगे और देखते हैं इसके अंदर और क्वालिटी क्या है यह है माइक्रोफोन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो नोइज रिडक्टर होता है जो रूई का होता है शायद वो दिया गया है तो इसमें आपको इस तरीके से फ़िट कर देना है यूज़ करते समय उसके बाद एक दिया गया हुआ क्लिप जिसे कॉलर में फ़िट किया जाता है तो आप इसे कुछ इस तरीके से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं उसके बाद आप इसे अपने कॉलर में लगा करके अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं ये यहाँ पर एक क्लिप जैक दिया गया है जिसे अगर आप एम्पलीफायर वगैरह में यूज करना चाहें तो एम्पलीफायर में भी इस माइक्रोफ़ोन को इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बात करें इसकी वायर की तो शायद इसमें बताया गया है कि इसके वायर की लंबाई बीस फीट है और यहाँ आप पर आपको माइक्रोफ़ोन के साथ सॉरी कैमरा के साथ साथ आपको मोबाइल फ़ोन का भी एक्सेस मिल जाता है जिसके माध्यम से आप इस माइक्रोफोन को अपने कैमरे में भी डी में भी और साथ साथ अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं वहीं इसमें वायर की जो लंबाई बताई गई है वो बताया गया है बीस फीट और यहाँ पर आपको बोया की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ है यहाँ पर आपको एक बोया का स्टिकर मिल जाता है जहाँ पर तो आप इसे कहीं भी चिपका सकते हैं ताकि कोई व्यक्ति देखे तो लें कि हाँ यह ब्रांड है तो चलिए इससे थोड़ा टेस्ट करते हैं इसकी आवाज़ वगैरह अभी जो आप ये जो आवाज़ें सुन रहे हैं ये हमारे ये मोबाइल के जो एयरफोन हमने लगाया है सैमसंग का उससे रिकॉर्ड हो रही है और इसके बाद हम जो आपको आवाज़ें सुनाएंगे वो आपको बोया का एम ऑन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगा तो चलिए हम बोया का जो माइक्रोफोन है उसे इनकलूड कर लेते हैं उसके बाद आपको इसकी आवाज़ें तो दोस्तों फ़िलहाल जो अभी आप आवाज़ सुन पा रहे हैं ये है बोया का एम ऑन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुआ जैसा कि अभी आप सुन पा रहे होंगे ये जो अभी आप आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है बोया का माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो चलिए इसे हम अपने कॉलर के पास ले जाते हैं उसके बाद इसकी क्वालिटी को आपको सुनाते हैं अभी जो आप सुन पा रहे होंगे इसके जो कला क्वालिटी है वो है बोया बाई एम वन माइक्रोफोन से अभी हम इसे थोड़ा दूर करके अभी बोल रहे हैं आपको तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जो रिकॉर्ड किया जा रहा था आवाज़ वो कैसा था और अभी जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो कैसा रिकॉर्ड हो रही है तो दोस्तों कुछ यही क्वालिटी थी बोया बाई मोन माइक्रोफोन की चलिए हमारे पास एक सेल्फ़ी स्टिक है उसको भी आपको दिखा देते हैं तो ये है हमारे पास एक सेल्फ़ी स्टिक जिसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं थोड़ा लोकल क्वालिटी का ही है हाई क्वालिटी का नहीं है ज़्यादा रेंज का नहीं है आगे हम आपको बताएंगे कि हमने इसे कितने में ख़रीदा है तो यहाँ से आप इसे फ्लिप कर सकते हैं निकाल सकते हैं खोल सकते हैं जो भी कह वो आप समझ लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक पिन वगैरह दिया गया है जो कि आपको सेल्फ़ी लेते वक्त कम आती है इसे आपको अपने हेडफोन जैक में क्लिक लगा देना होता है उसके बाद यहाँ पर जो बटन दिया गया इसके थ्रू आप क्लिक करके अच्छे क्वालिटी का सेल्फी ले सकते हैं यहाँ पर इसकी कुछ क्वालिटी वगैरह जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं तो चलिए बात करते हैं अब इन सब की प्राइस की तो प्राइस हमें कितना मिला उसकी भी बात कर लेते हैं तो बात करें यहाँ पर बोया का जो माइक्रोफोन है उसकी तो ये हमें पड़ गया है लगभग सात सौ पंद्रह रुपये की जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका थोड़ा अभी दाम बढ़ गया है पहले छः सौ साढ़े छः सौ के करीब था वहीं बात करें इस सेल्फ़ी स्टिक की तो ये पड़ गया हमें लगभग सा एक सौ अस्सी रुपये के करीब जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे तो ये, ये दोनों प्रोडक्ट लगभग हमें नौ सौ के करीब में मिल गए यदि आप भी इन दोनों प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप प्रोडक्ट को देखिए अगर अच्छा लगे तो खरीदिए यहां यहाँ पर हम आपको बेसिक और सारी जो जानकारी थी वो बता ही दिए मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में